सरकार उनसे बातचीत करेगी तथा यदि बातचीत असफल
की जाएगी, किंतु इस कार्यवाही की रूपरेखा किसी कांग्रेसी की ज्ञात न थी। पंडित नेहरू ने लिखा है कि यद्यपि गांधी जी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात करते थे, परंतु उन्होंने यह निश्चित रूप से नहीं बताया कि वे क्या करना चाहते थे। अतः स्पष्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम के विषय में स्वयं गांधी जी स्पष्ट नहीं थे, जबकि एक जन आंदोलन होने के कारण कार्यक्रम की एक स्पष्ट रूपरेखा नेताओं और जनसाधारण को ज्ञात होना आवश्यक थी। यही कारण था कि आंदोलन के प्रारंभ होने पर जनसाधारण को यह ज्ञात ही नहीं था कि उन्हें आखिर करना क्या है। प्रमुख नेता जेलों में थे तथा शेष नेता भी एकमत न थे, अतः जनता व नेताओं के मध्य समन्वय स्थापित न हो सका और आंदोलन हिंसात्मक हो गया। सरकार के पास दमनकारी शक्तियों का अभाव नहीं था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन में एक विशेष महत्व देखने को मिलता है। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्राथमिक लक्ष्य को तत्काल प्राप्त न कर सका, किंतु इस आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस आंदोलन का विशेष स्थान है, क्योंकि इसने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी तथा अंग्रेजों को भारतीयों की स्वतंत्रता की प्रबल भावनाओं से अवगत कराया। यह आंदोलन कुछ नेताओं के द्वारा किया हुआ आंदोलन न था, बल्कि सभी नेताओं के जेलों में होने के बावजूद जनता द्वारा किया गया जन आंदोलन था, जिसमें विदेशी सत्ता के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त किया तथा विदेशी सत्ता की भारत में जड़ों को ऐलान किया। जनसाधारण में व्याप्त आक्रोश को देखकर साम्राज्यवादी समझ गए कि भारत को अधिक समय तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना संभव नहीं है। जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं को अधिक दिनों तक सख्ती से दबाए रखना अंग्रेजों के लिए संभव न था। यह आंदोलन जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करने में असाधारण रूप से सफल रहा। इसी कारण जयप्रकाश नारायण ने इसकी तुलना फ्रांस और रूस में हुई क्रांतियों से की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि इस आंदोलन की अग्नि में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग भस्म हो गई। भारत का पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार न था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना लगभग निश्चित हो गया। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए तीव्र आघात था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने पुनः लिखा है, यह अगस्त क्रांति निरंकुशता तथा अत्याचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस में बातचीत के पतन तथा रूस में अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता में